अस्सलामु अलैकुम व्यूअर, वेलकम बैक माय चैनल यूअर स्किल। आज हम बनाने जा रहे हैं वेट फ्लैग। ये मुकम्मल डिटेल में आपको बताऊंगा मशीन के हवाले से भी, और जो है बाज़ार में ये मिलता है, किस प्राइस में मिलता है, सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। गंदम को आपने गीला कर लेना है, गीला करना है, इतना गीला करना है कि ये मशीन के अंदर आसानी से गुजर जाए। ये मशीन है, ये इटालियन मशीन है, इसको पास्ता मशीन कहते हैं। इसके अंदर पास्ता बनता है, इसके अंदर हम ये रूले से जो है गंदम को गुजारेंगे। ये दो रूले और हैं, एक मोटा और एक उससे बारीक, ये इस तरह इसके ऊपर फिट हो जाता है। फिट होने के बाद जो है हम इसको जो है हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगा के ये देखें आप, हैंडल लग गया और इसमें जो है इस तरह रूले घूम रहे हैं। इन रूलों के अंदर हमने गंदम डालनी है। गंदम डालेंगे वो बिल्कुल नीचे चपटी हो के निकल आएगी। बर्तन नीचे रख लेते हैं, इसके बाद इसको गंदम डालते हैं। तो इसका नाश्ता किया जाता है दूध वगैरह में डाल के, जैसे दलिया पकाया जाता है। ये आम दलिए की निस्बत जल्दी पक जाता है, और दलिए को जो अब हम बनाते हैं तो उसके अंदर आटा वगैरह काफ़ी जो है वेस्ट होता है। इसमें जो है ये सिर्फ पूरी गंदम ही रहती है, फ्लैट हो जाती है, आसानी से जो है ये दलिया जल्दी बन जाता है। तो वो मैं सारा दिखाता हूँ आपको, बाज़ार से जो मिलते हैं वो सारा, उनकी प्राइसेस वगैरह भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस मशीन के मतलब आपको बता दूँ, ये आपको मुख्तलिफ़ शहरों से मिल जाएगी बासानी। अगर लाहौर से ख़रीदते हैं तो दरोगे वाला है, वहाँ से मिल जाएगी। फैसलाबाद में कंटेनर मार्केट है, वहाँ से मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल चपटे हो के जो है निकल आए हैं, तो जैसे बिल्कुल ओरिजिनल बाज़ार से मिलता है, ये उसी तरह जो है बिल्कुल बन गए हैं। तो इसको जो है इस तरह निकालने के बाद हम खुशक कर लेंगे। तो आगे भी मैं बनाऊंगा, सारा आपको दिखाता हूं। तो मैं आपको मशीन के हवाले से बता रहा था, मशीन आपको इस्लामाबाद में मिलेगी, G9 पिशावर मोड़ इतवार बाज़ार लगता है, वहां से आपको बासानी मिल जाएगी। कराची में शेरशाह से मिल जाएगी, मुल्तान में जम्मू वाला है वहाँ से मिल जाएगी। ये इसकी एडजस्टमेंट है, तो इससे रूला आगे पीछे होता है, यानी कि आपने मोटा निकालना है, बारीक निकालना है, ये इसकी एडजस्टमेंट है। एक नंबर पे रखेंगे तो बिल्कुल बारीक निकालेगा, जैसे जैसे आप इसका नंबर मोटा करते जाएंगे ये इसी तरह उसको मोटा निकालेगी। तो यहाँ से आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है बाज़ार से दलिया मिलता है वो दिखा दूँ, फ्लैग जो मिलता है उनकी प्राइसिस भी आपको दिखा देता हूँ। ये मुख्तलिफ किस्म के फ्लैक्स पड़े हुए हैं, एक ये पड़ा हुआ है और ये डब्बों में पड़े हैं, ये पड़े हुए हैं। इनकी प्राइसेस मैं आपको दिखा देता हूँ सबकी। ये 935 रुपए केजी है, ये एक ब्रांड है। एक ये ब्रांड है, ये 225 रुपए केजी है, और एक ये ब्रांड है, ये जौ का दलिया, ये 440 रुपए पर केजी है। ऊपर आपको प्राइस नज़र आ रही होगी। और ये इंपोर्टेड है, ये दुबई का बना हुआ है, ये इसका 500 ग्राम जो है वेट है। इसकी प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं, इसकी प्राइस है जनाब 350 रुपये आधा किलो की। तो एक ये 250 ग्राम का डब्बा है, इसकी प्राइस भी चेक कर लेते हैं, डब्बे में है, ये है 145 रुपए का। ये इनकी प्राइसेस हैं जो बाज़ार में मिल रहे हैं। और भी ब्रांड हैं मुख्तलिफ, तो ज़्यादातर बाहर के ब्रांड हैं, काफ़ी जो है महंगा है गंदम की प्राइस के हिसाब से। गंदम तो हमारी अपनी पैदावार है, 50 से 60 रुपये जो है गंदम का रेट है आजकल। तो इस पर ख़र्चा जो है वही आता है जो आटे की चक्की पे जब हम आटा पिसवाते हैं, उतना ही खर्चा आता है। और कमर्शियल के लिए मैं आपको बताऊंगा, कमर्शियल अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको जो है बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये आप देखें साइड पे, ये इस तरह की बड़ी मशीन होती है, रूले होते हैं, तो उसके अंदर से सिर्फ ये गुज़र जाता है। और गुज़रने के बाद चाहें तो धूप में खुशक कर लें, चाहे तो आप इसको हीटर वगैरह होते हैं साथ के साथ ये खुशक होती रहती है, इसकी पैकिंग आप करते रहें, तो एक अच्छा बिजनेस है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें जो है बहुत ज़्यादा है। तो नाम बनाना पड़ेगा, ब्रांड बनाना पड़ेगा, इसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो उसके बाद जाके आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो घर में बहुत अच्छा है, घर में जो है आप बना के इसको स्टॉक कर लें। जब अगर बड़े लेवल पे करना है, जब गंदम सस्ती होती है तो बेचने के लिए, उस वक़्त इसको बना के आप पैकिंग कर लें अपने नाम से, ब्रांड से।
तो ये देखें तैयार हो गया जनाब, बिल्कुल जो है जैसे ओरिजिनल उसी तरह ये चपटा चपटा निकल आया। खुशक होने के बाद इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है। तो दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सब